फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कुसैली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीम के फ़ायदों के बारे में, दोस्तों नीम के हेल्थ टिप्स के बारे में। दोस्तों, नीम एक ऐसा पेड़ है जिसके तने, पत्तियाँ और बीज औषधि का काम करती हैं। गाँव में लोग अभी भी इसकी टहनियों की दातून करते हैं। दोस्तों, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल दवा बनाने में करते हैं, इसके बीज का भी इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि नीम के फायदे जो आपको हैरान कर डालेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएँ, हमेशा हेल्दी रहें। दोस्तों, नीम हमारे पर्यावरण या एनवायरनमेंट के लिए जितना अच्छा है उतना ही हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। दोस्तों, लोग नीम के का यूज़ कई सालों से आयुर्वेदिक औषधि और घरेलू उपाय के तौर पे करते आ रहे हैं। दोस्तों, शरीर से जुड़ी कई छोटी बड़ी समस्याओं के लिए नीम के पत्तों से लेकर इसकी छाल तक का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, वहीं कई लोग नीम की पत्तियों को खाने में भी शामिल करते हैं। ऐसे में नीम का यूज़ कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदायक है, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। दोस्तों हम साथ ही आपको नीम के तेल भी बनाने के बारे में बताएंगे और इसकी औषधि और डाइट के रूप में किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है दोस्तों कि नीम क्या है। दोस्तों, तो इसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि नीम क्या है। दोस्तों, नीम एक औषधीय पेड़ है जिसके लगभग सभी भागों का इस्तेमाल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। ये महोगनी परिवार से संबंध रखता है और इसका वनस्पति नाम अजार झिंका एंडिका है। नीम ट्री का जीवन काल 150 से 200 साल तक हो सकता है। दोस्तों भारत में लगभग लाखों नीम के पेड़ हैं, वहीं आयुर्वेद में नीम की एक अहम भूमिका है। इसका इस्तेमाल त्वचा संबंधित परेशानियों से लेकर हेल्थ संबंधी समस्याओं के उपचार के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि नीम के जुड़े फ़ायदे क्या हैं और किन किन बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि नीम के औषधीय गुण क्या हैं। दोस्तों नीम के औषधीय गुण एक नहीं बल्कि कई सारे हैं, यही कारण है इसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। दरअसल, इसमें एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरिया से लड़ने वाला, एंटीफंगल, फंगस से लड़ने वाला, एंटीऑक्सीडेंट, मुक्त कणों का प्रभाव कम करने वाला और एंटीवायरल, वायरल संक्रमण से बचाव वाले गुण मौजूद हैं। यही नहीं है, आपको जानकर हैरानी हो सकती है, नीम सांप के जहर का असर भी कम करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इसके अलावा नीम के फ़ायदे और भी हैं। दोस्तों नीम को आयुर्वेद में कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए कमाल की औषधि माना जाता है। हालांकि कई लोगों को नीम के फ़ायदों के बारे में जानकारी नहीं होती। नीम के ना सिर्फ जड़ बल्कि इसके पेड़ के प्रत्येक भाग, पत्ते, टहनियाँ, छाल, बीज, फल या फूल का यूज़ पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचारों या सूजन के, बुखार के, संक्रमण, त्वचा रोग और दंत विकारों से लेकर कई समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों एंटीवायरल प्रॉपर्टी से भरपूर नीम आपकी सभी हेल्थ प्रॉब्लम की एक सलूशन है। दोस्तों, नीम के पत्ते हेल्थ बेनिफिट की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। दोस्तों, फ्लू संक्रमित रोगी के लिए नीम काफ़ी लाभकारी माना जाता है। नीम के पत्ते में बैक्टीरिया और वायरस को दूर करने में मददगार होता है। दोस्तों हम आपको बताएं नीम की पत्तियों को चबाने के शानदार फ़ायदे। दोस्तों, नीम के हेल्थ बेनिफिट कई हैं। नीम के पत्तों को चबाकर या पेस्ट के रूप में इसका यूज़ करने के कई फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों स्वाद में कड़वा और तीखा दोनों आयुर्वेद के अनुसार नीम का पत्ता हमारे वात या न्यूरोमस्कुलर विकारों को बैलेंस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। दोस्तों हमारे खून में विषक पदार्थों को निकालना, मुक्त कणों की सफाई करना, यहाँ रोज़ाना नीम के पत्ते चबाने से काफ़ी आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहला जो फ़ायदा हम आपको बताने वाले हैं वो है आँखों के लिए। दोस्तों, आपके आँखों के लिए कमाल है, नीम के पत्ते आँखों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों, नीम चबाने से आपकी आई साइड यानी दृष्टि में भी सुधार हो सकता है। तो किसी भी तरह की जलन, थकान या लालिमा है का इलाज करने के लिए आप कुछ नीम के पत्तों को उबाल भी सकते हैं। पानी को पूरी तरह ठंडा होने दें, फिर अपनी आँखों को धोने के लिए इसका यूज़ करें।
दोस्तों हम आपको बताएंगे कि त्वचा के लिए कैसे लाभकारी है नीम। नीम के पत्तों का यूज़ विषक्त पदार्थों को दूर कर सकता है और हमें शुद्ध स्किन प्रदान करने के लिए हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। दोस्तों नीम के पत्तों में मजबूत एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो संक्रमण, जलन, त्वचा किसी भी तरह की प्रॉब्लम पर समस्याओं को चमत्कार कर सकता है दोस्तों। जबकि नीम के पत्तों और हल्दी का पेस्ट का यूज़ कीड़े के काटने, खुजली, एक्जिमा, रिंग के त्वचा के लिए इलाज किया जा सकता है दोस्तों। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि पाचन में कैसे सुधार करता है नीम। नीम के पत्ते आपके लीवर के लिए कमाल माने जाते हैं जो आपके पाचन को स्वचालित रूप से बढ़ाता है। इसके अलावा दैनिक आधार पर नीम का यूज़ आपके आंतों के में बैक्टीरिया को नष्ट करता है और आपके आपके आंतों को साफ करता है, जिससे आपके पाचन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है दोस्तों। दोस्तों बालों को पोषण देने के लिए बेहतरीन है नीम के पत्ते। चबाना आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। उसके उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट के साथ नीम के स्कैल्प को मुक्त कणों के कारण होने वाली एंटीऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है। नीम के पत्तों हैं हेल्थ कोशिकाओं को विभाजन और उत्तेजित करने में, आपकी खोपड़ी के क्षेत्रों, चारों और बालों का विकास करने में मदद करता है। अपने बालों में उबले हुए नीम के पानी से धोना डैंड्रफ, क्षतिग्रस्त बालों के मुकाबले करने में एक पारंपरिक तरीका है, जिससे आपके बाल हेल्दी होते हैं दोस्तों। तो इम्यून सिस्टम को करता है बूस्ट, एंटी माइक्रोबैरियल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर नीम के पत्तों को चबाना आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, मजबूत करने में काफ़ी मदद करता है दोस्तों। ये पत्ते मुक्त कण होने वाले नुकसान को रोकता है दोस्तों, जिससे फ्लू और कई बड़ी बीमारियों से आपको बचाता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे नीम की पत्ती के बेजोड़ फ़ायदे दोस्तों। दोस्तों पत्नी की समस्या से अगर आप ग्रसित हैं तो नीम की पत्ती पथरी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों नीम की पत्तियों का यूज़ कैसे कर सकते हैं आप? इसके लिए सबसे पहले आप नीम की पत्ती को सुखा लें, फिर इसे भूनकर इसकी राख बना लें। अब डेली इसको 2 से 3 ग्राम मात्रा गुनगुने पानी के साथ पिएं। इसे आपकी पथरी गलने में लगती है और इसे बाहर निकलने में मदद करती है दोस्तों। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे नीम की पत्तियों के डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद लाभदायक होती है। इसमें ग्लाइकोसाइड्स और एंटीवायरल गुण होते हैं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं दोस्तों। साथ ही नीम में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इसके लिए आपको रोज़ाना खाली पेट 7 से 8 नीम की पत्तियों को खाना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा पानी में, दोस्तों पानी में पत्तों को उबाल कर पीना चाहिए या फिर पत्तों का रस निकाल कर पीना चाहिए। ये डायबिटीज़ के साथ होने वाली अन्य समस्याओं से भी निजात दिलाता है दोस्तों। दोस्तों अब हम बताएंगे घाव को ठीक करने में कारगर है दोस्तों। फोड़े, फंसी या किसी भी प्रकार का घाव हो जाने पर नीम की पत्तियों को पीसकर इसका लेप लगाने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये दर्द से निजात दिलाता है, साथ ही घाव भरने में भी कारगर है दोस्तों। साथ ही नीम की पत्तियों को पीसकर इसमें जैतून का तेल मिलाकर लेप लगाने से नासूर भी जल्दी ठीक हो जाता है दोस्तों। दोस्तों नीम में बाज़ार में मौजूद फेस प्रोडक्ट्स की तुलना में कई गुना चेहरे की खूबसूरती को निखारने में कारगर है दोस्तों। नीम की पत्तियों को पीसकर इसे चेहरा लगाने से यह चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासों को निजात दिलाता है दोस्तों। दोस्तों साथ ही नीम की छाल को पीसकर चेहरे पर इसका लेप लगाने से ये त्वचा की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है दोस्तों। जले से दिलाता है राहत दोस्तों। नीम की पत्तियां जले से राहत दिलाने में कारगर है दोस्तों। नीम की पत्तियों को पीसकर इसका लेप बनाकर लगाने से जले हुए अंग पर जलन और दर्द से राहत मिलती है दोस्तों। ओरल हेल्थ में नीम की पत्ती का ही नहीं बल्कि नीम के दातून का भी बड़ा महत्व है। नीम की पत्ती में एंटीपायरेटिक गुण पाया जाता है। ये गुण दांतों में हुई पायरिया की समस्याओं को ख़त्म करता है, मसूड़े की सूजन को दूर करता है। इससे दांतों को भी काफ़ी चमकदार बनाने में मदद मिलती है। इसलिए दांतों के बेहतर हेल्थ के लिए नीम की पत्तियों का रोज़ाना यूज़ करें दोस्तों। दोस्तों दांतों के कीड़ों से बचाव। कई बार दांतों में सही सफाई नहीं होने पे दांतों में कीड़े लग जाते हैं। कीड़े दांतों को खोखला कर देते हैं, इस वजह से कीड़े लगे दांतों को हटवाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं आपके दांतों में कभी कीड़ा ना लगे तो आपको रोज़ सुबह एक बार नीम के दातून से दांतों की सफाई करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों अगर आप रोज़ाना नियमित रूप से नीम के दातून से दांतों को साफ़ करेंगे तो कभी भी कीड़े की समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये कीटाणुनाशक होता है दोस्तों। दोस्तों डिप्रेशन की समस्या से आज से बहुत से लोग पीड़ित हैं आजकल, कुछ काम को लेकर, कुछ घर की समस्याओं से लेकर और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के रिश्तों के कारण ये बड़ी परेशानी बन गई दोस्तों। इससे पहले ही इसे ख़त्म कर देना चाहिए। नीम की पत्ती में एंटी डिप्रेस गुड़ पाए जाते हैं, इसलिए अगर आप नीम की पत्तियों को खाते हैं तो इससे एंटी डिप्रेसिड गुड़ आपको दोस्तों एंटी डिप्रेसिड गुण के कारण आपका डिप्रेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों पिंपल की समस्या से कई लोग परेशान रहते हैं, खासकर जब कोई आपकी जगह बदलता है तो इससे
उसे ख़राब पानी की वजह से भी पिंपल, कई दाग फ्री मिल जाते हैं। इनसे बचने के लिए आप नीम की पत्तियों को रोज़ सुबह खाना शुरू करें। नीम की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये गुण खून को साफ करके त्वचा को चमकदार बनाते हैं और पिंपल को ख़त्म करने में मदद करते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि नीम का जूस वेट लूज करने में कैसे मदद करता है। दोस्तों नीम वज़न कम करने के लिए काफ़ी मददगार होता है। दोस्तों वज़न कम करने के लिए ज़्यादातर लोग जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जिम जाना पसंद नहीं होता। वो वज़न कम करने के लिए आसान तरीके ढूंढते हैं। अगर आप भी वज़न कम करने के बारे में सोच रहे हैं तो सप्लीमेंट लेने के बजाय आपको प्राकृतिक तरीक़े का इस्तेमाल करना चाहिए। आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर वज़न कम कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए इनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। नीम के पत्तों में बहुत से हर्बल गुण होते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों अगर आप रोज़ नीम के पत्तों का जूस बनाकर यूज़ करें तो इससे आपका वज़न कम करने में मदद मिलेगी। इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। नीम का जूस बनाने के लिए आपको 1 किलो नीम की पत्तियाँ, 5 लीटर पानी और ग्राइंडर की ज़रूरत होगी। दोस्तों इसे बनाने के लिए पानी में नीम की पत्तियों को मिला लें। इन्हें रात भर के लिए भिगो दें। सुबह पत्तियों को पानी के साथ ग्राइंडर में पीस लें। इसके बाद मिश्रण को छान लें। अब इसका हर रोज़ यूज़ कर सकते हैं आप, साथ ही पूरे सप्ताह के लिए या फिर हर रोज़ जूस तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे नीम के पोषक तत्व, नीम के न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं, नीम के कई लाभ, बहुत सारे लाभ हैं। ऐसे में यहाँ हम नीम के मौजूद कुछ पोषक तत्वों के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों नीम में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वसा, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, टैनिंग एसिड से भरपूर होते हैं। दोस्तों अब हम आपको नीम का यूज़ आपको कैसे करना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों नीम के पत्तों का आप लेप बना सकते हैं, उसका मास्क बना सकते हो। ब्लड प्योरीफायर के लिए आधे कप पानी में आधा चम्मच नीम की पत्तियों का रस निकाल के इसका यूज़ कर सकते हैं। नीम का पत्ता पीस कर घाव पर लेप के रूप में लगा सकते हैं। नीम के पतले डालों को यानी दातून के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के पत्तों को फ्राई करके भी खाया जा सकता है। रूसी और जुओं को कम करने के लिए नीम के पत्तों का बना तेल का यूज़ भी आप कर सकते हो। दोस्तों हम आपको बताएंगे नीम के तेल बनाने की विधि। दोस्तों यूँ तो नीम का तेल आसानी से बाज़ार में उपलब्ध होता है, लेकिन इसमें कई सारे रासायनिक तत्व मिले होते हैं। ऐसे में घर में बनाए हुए नीम का तेल बाज़ार से मिलने वाले नीम की तुलना में ज़्यादा प्योर और शुद्ध होता है। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए नीम की पत्तियाँ, 1 कटोरी नारियल का तेल, कांच की बोतल, ग्राइंडर और छन्नी। दोस्तों ये इन्ग्रीडियंट्स आपको लेने हैं। और आपको दोस्तों बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले नीम की पत्तियों को अच्छे से धो लें, उसको सुखा लें। अब इसके बाद पत्तियों के ग्राइंडर में डाल के पीस लें, फिर इसको नारियल के तेल में डालें, थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। जब नीम की पत्तियों और नारियल का तेल अच्छे से मिल जाए तो उसे पैन में डाल के हल्के फ्लेम में गर्म करें। इसे 4-5 मिनट तक आँच पर पकाएं। ध्यान रहे नीम की पत्तियां जले ना। दोस्तों जब दोनों मिश्रण अच्छे से मिल जाएं तो गैस बंद कर दें, फिर उसे थोड़ी देर ठंडा होने दें। दोस्तों मिश्रण जब ठंडा हो जाए तो अब इसे तेल को छन्नी की मदद से एक बोतल में छान लीजिए। तैयार है नीम का तेल। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे नीम के नुकसान और उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों नीम कहने को तो प्रकृति का वरदान है, लेकिन इसका इस्तेमाल सतर्कता के साथ करना चाहिए। नीम के अर्क में ब्लड शुगर स्तर को कम करने की क्षमता होती है। ऐसे में जिन लोगों को लो ब्लड शुगर की समस्या है, बेहतर है लोग नीम के यूज़ से परहेज़ करें। अगर नीम का यूज़ करते भी हैं तो उन्हें अपने ब्लड शुगर लेवल को नियमित जांच और निगरानी करनी चाहिए। दोस्तों शुगर के मरीज़ों का इसका यूज़ डॉक्टर के कंसल्ट से करना चाहिए। दोस्तों अगर किसी को त्वचा सेंसिटिव है तो नीम का इस्तेमाल करने से पहले पेस टेस्ट ज़रूर करें। एलर्जी की समस्या वाले लोगों को नीम का यूज़ करने से बचना चाहिए। दोस्तों तो गर्भवती और बच्चों को नीम या नीम से युक्त खाद्य पदार्थों से पहले डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा अगर किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तब भी नीम के यूज़ करने से पहले किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों इसके अलावा नीम से किडनी डैमेज होने का भी डर रहता है। दोस्तों पेट की परेशानी भी हो सकती है, इम्यून सिस्टम भी ओवर एक्टिव हो सकता है ज़्यादा यूज़ करने से। दोस्तों ये थे नीम के साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों ये हमने आपके नीम के चमत्कारिक फ़ायदों के बारे में बताया और कुछ जो थोड़े बहुत नुकसान है उसके बारे में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।